इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शन इन द कंट्री. इसका काम होता है देश में चुनाव कराना. इट प्ले द की रोल इन फॉर्मिंग अवर पार्लियामेंट. हमारे संसद के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द हेड ऑफ द कमीशन. इसके जो हेड है उसको चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शन इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी अक्रॉस द कंट्री. जितने भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां पर क्रमबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाता है. बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री. स्वतंत्रता से पहले भारत का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है और उनके साथ असमानता का व्यवहार होता रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड एवरीवन एज अ इक्वल एंड एडवोकेट स्ट्रॉन्गली. सभी को समानता का अधिकार देता है, सभी की लिए मजबूती से खड़ा होता है, सभी को बराबर सुविधाएं दी जाती है, सभी के लिए स्वतंत्रता है. देयर वर मेनी कम्युनिटीज लाइक दलित विच हैड अ फेस डिस्क्रिमिनेशन. बहुत से ऐसे समुदाय भी हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है और उनका शोषण हुआ है उनकी जाति के आधार पर. वुमेन Women were always relegated and background to the background and not considered capable for the public life or career. जो औरतें थी उनके लिए भी उनके background को देखते हुए उन्हें एक मुख्य समाज की धारा नहीं माना जाता था कि वो अपने भविष्य के लिए अपने लिए कुछ कर सके. उसके लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ, यानी औरतों को वोट देने का अधिकार दिया गया. इन ऑर्डर टू मेक द सो कॉल्ड बैकवर्ड कम्युनिटीज एट पर विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. और बैकवर्ड जो ये दलित कम्युनिटी है इनको समाज का हिस्सा बनाने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व सम सीट्स इन द पार्लियामेंट. संसद में कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी संविधान ने कुछ सीटें इनके लिए रिजर्व की हैं. इसके अलावा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट जो भी हैं उनके लिए भी संविधान में सीटें हैं. सीट का मतलब उनके लिए वहां पर जगह है, उनके समुदाय से चुने हुए व्यक्ति वहां पर एज अ एमपी जाते हैं. दिस कम्युनिटीज इट वॉज फियर्ड. और जो ये समुदाय है ये इस बात से डर वुड लूज आउट एंड नॉट गेट रिप्रेजेंटेटेड इन द पार्लियामेंट इन ओपन इलेक्शन. ये अपने आप को ओपन जो इलेक्शंस होते हैं उनमें अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते थे, इसलिए इनको द पार्लियामेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. इसीलिए इनको संविधान में शामिल किया गया. और जो पार्लियामेंट है जो संसद है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है भारत के लिए एंड इज रिफ्लेक्शन ऑफ द और इसकी इसका जो प्रभाव है भारतीय समाज पर दिखाई देता है एज इट हैज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि इसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो समाज के विभिन्न भागों से आए हुए हैं, वो समाज को वहां पर प्रेजेंट करते हैं. यानी कि आपके चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हैं या अदर माइनॉरिटी मेजोरिटी हैं लेडीज के उससे हैं, तो जो भी वहां पर हैं संसद में वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारी बात को वहां तक पहुंचाते हैं और समाज को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं. Every community, whether majority or minority, should be able to voice the opinion freely and be heard. और हर किसी को चाहे वो majority में हो या minority में उसको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है. वो अपनी बात को वहां पर freely कह सकता है और उसकी बात को सुना भी जाता है. Over the years, कुछ सालों में people of all communities have been able to win seats from different constituencies. जितने भी कुछ निर्वाचन क्षेत्र है वहां से डिफरेंट कम्युनिटीज हैं वहां से लोग विभिन्न उस पर अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो अन्य जातियों के लोग हैं अन्य समुदायों के लोग हैं वो जीत रहे हैं. और उसमें देयर बाय ब्रेकिंग द बैरियर्स और जो उनके सामने रुकावटें हैं उनको तोड़कर बिटवीन रिच एंड पुअर एजुकेटेड एंड इलिटरेट एंड सो ऑन. इस तरह की जो भी रुकावटें हैं चाहे वो अमीरी गरीबी की है या अनपढ़ और शिक्षित की है, जिस तरह की भी उनके सामने रुकावटें या बाधाएं हैं उनको तोड़कर जीतते हुए आगे पार्लियामेंट में हिस्सेदारी ले रहे हैं.
हिस्सेदारी का मीन्स यहाँ पर होगा कि समाज को अपने समुदाय को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट इज अ यूनिक फीचर ऑफ अवर कंट्री। और जो ये विविधता है कि समाज के विभिन्न समुदाय के लोग वहां पार्लियामेंट में हैं, ये एक विविधता भारत की अद्वितीय विविधता है, अद्वितीय विशेषता है। द इलेक्शन कमीशन, ये कंसीडर ध्यान देने के लिए आपको बताया जा रहा है, द इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज अ मतदाता महोत्सव। मतदाता महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें इन वोटर्स को इन्वॉल्व किया जाता है फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, स्पेशली वुमेन, यूथ, डिफेंस पर्सनल, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड दोज फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन फॉर इनहेंस्ड सेंस ऑफ इंक्लूजन, ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड स्ट्रेथनिंग द SBEEP सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। मतदाता महोत्सव जो मनाया जा रहा है वो इसलिए है कि लोगों के अंदर चुनाव को लेकर जागरूकता लाई जाए, युवाओं के अंदर या जो डिफेंस में है, जो आपको डिफरेंट सेक्शंस बताए जा रहे हैं उन सेक्शंस के अंदर लोगों को चुनाव के लिए जागरूक किया जाए, चुनाव से संबंधित जो भी उनको जानकारी है वो दी जाए, लोगों के अंदर चुनाव को लेकर जो निराशा है। बहुत से लोग अभी भी आप समाज में सुन सकते हो कि कहते हैं कि वोट देने से कोई फायदा नहीं होता, वोट होते हैं उनके लिए जब चुनाव होते हैं तो उनके लिए कोई इफेक्ट नहीं होता, वो वोट देने नहीं जाते, कहते क्या जरूरत है हमें वोट देने की क्योंकि हमारी तो कोई डिमांड पूरी नहीं होती है। तो ये जो निराशा है इसको दूर करने के लिए मतदाता महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, अब इतना जितना मैंने अभी बताया है इसमें से किसी को कहीं